थोड़े लोगों को एनआरसी तो इस तरह के प्रॉब्लम भी बता रहे हो लोग, तो हम लोग उनके हिफाजत के लिए आए। हम कोई वो आधार कार्ड या रेशन कार्ड उनका कोई चेक करने का पुलिस का कोई मकसद नहीं है। आदाब नाजरीन, आईएनटी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में वाक़े लक्ष्मी नगर इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया, जो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एफएसी वेस्ट जोन की निगरानी में और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन इकबाल सिद्दीकी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिफनगर डिवीजन आरजी शिवमूर्ति की मौजूदगी में किया गया। ये कॉर्डन सर्च शाम 5 बजे से 7 बजे तक जारी रहा, जिसमें दूसरे स्टेट्स के बाशिंदों के बशमूल अजनबी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विज अफराद को चेक किया गया, जिसके मकसद कानून की खिलाफवर्जी करने वालों पर कार्रवाई करना था। इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर हुमायूं नगर, एडिशनल इंस्पेक्टर हुमायूं नगर के अलावा 5 इंस्पेक्टर्स, 7 सब इंस्पेक्टर्स और 114 पुलिस अहलकार शामिल थे। इस कॉर्डन सर्च में जुमला 200 घरों को चेक किया गया, 5 रोडी शीटर्स को हिरासत में लिया गया, 4 टू व्हीलर्स को सीज कर लिया गया है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अभी कॉर्डन एंड सर्च हम लोग कर रहे हैं। 5:30 से लेके अभी तक कम से कम एक 200-300 हाउसेस को एरिया में, ये लोकल एरिया में रेसिडेंट्स के साथ बात करके उनके क्या प्रॉब्लम्स है मालूम करे। अभी थोड़े लोगों को एनआरसी तो इस तरह के प्रॉब्लम भी बता रहे हो लोग, तो हम लोग उनके हिफाजत के लिए आए। हम कोई वो आधार कार्ड या रेशन कार्ड उनका कोई चेक करने का पुलिस का कोई मकसद नहीं है, तो हम लोग उनके हिफाजत के लिए है। वो जो उनके प्रॉब्लम जितने भी है पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो यहाँ पे चोरी हो रहा है या थेफ्ट या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स है, कोई पी के कोई शराब पी के कोई गड़बड़ कर रहा, कोई औरतों को छेड़ रहा, इस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम्युनिटी को लेके उनके साथ ये कॉर्डन एंड सर्च करने का मेरा प्रोग्राम है। आज मैं, हमारे एडिशनल डीसीपी सिद्दीकी, इंस्पेक्टर हुमायूं नगर, हमारे एसीपी, ये सब लोग एटलीस्ट एक 200 पुलिस ऑफिसर्स ये कॉर्डन एंड सर्च लक्ष्मी नगर में आज करें। ये पूरा अभी और एक हाफ एन आवर करके सक्सेसफुली यहाँ से हम लोग पुलिस फोर्स को विड्रॉ करेंगे। दिल में एक वहम है कि एनआरसी को लेके इसको कुछ रिलेटिव है, उसके बारे में आप क्या? नहीं नहीं, पुलिस को और एनआरसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे आप लोग जो कलेक्ट कर रहे हो एनआरसी को कलेक्ट करेंगे, वो गलत है। उनका जो वहम है हम लोग अभी बोल के उनको वो जो क्लैरिफाई भी करें, यहाँ के चंद औरत भी हमारे से बात करे, थोड़े मेल मेम्बर्स भी बात करे। पुलिस जो भी डॉक्यूमेंट चेक करता है वो सिर्फ वो व्हीकल का, अगर से कोई चोरी का डॉक्यूमेंट है या व्हीकल का जब एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, वो जेन्यून डॉक्यूमेंट है कि वो चोरी का डॉक्यूमेंट है, ये चेक करने के वजह पूछने का। और हम लोग जिसको भी डॉक्यूमेंट पूछेंगे वो कोई सस्पेक्ट हो या कोई ऑफेंस में रिलेटेड आदमी है, उसी तरह के आदमी को पूछेंगे हम लोग। जनरल आम आदमी को किसी को डॉक्यूमेंट पूछने का हम लोग नहीं पूछे। हमारा पूरे जितने भी स्टाफ है ऑलरेडी उनको बोल चुके हैं कि किसी को डॉक्यूमेंट नहीं पूछना करके ऑलरेडी बोले। अगर से कोई सस्पिशन है, कोई आदमी के किसी के ऊपर शक है कि वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, उसी तरह के आदमी को पूछेंगे, बाकी किसी को डॉक्यूमेंट हम लोग नहीं पूछेंगे। एनआरसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल, ये पुलिस को एनआरसी से क्या मतलब है? पुलिस काम अपना काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगी, पब्लिक का हिफाजत के लिए पुलिस है। डॉक्यूमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम किसी को डॉक्यूमेंट पूछेंगे, लेकिन हाँ अगर से किसी पे सस्पिशन है, अगर से कोई क्राइम रिलेटेड का वर्क है, डॉक्यूमेंट ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।